सबसे पहले बात मधेपुरा की, जहां पर जाप प्रखंड अध्यक्ष की हत्या से गुस्साए लोगों ने भटगामा किशनगंज रोड को जाम कर दिया है और जाम हटाने गए पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ दिया है। मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एसपी के आने के बाद ही जाम हटाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने जाप के प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक उर्फ टिंकू सिंह की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद अब तक कोई एक्शन ना होने से लोगों में नाराजगी है। साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मधेपुरा की तस्वीरें। तो मधेपुरा में हत्याकांड के विरोध में सड़क जाम किया गया है और मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी यहां पर की गई है। जाम हटाने गए पुलिस को भी लोगों ने खदेड़ दिया है। जब तक एसपी नहीं आएंगे ये जाम नहीं हटेगा, लोगों की ओर से कहा जा रहा है। नाराजगी है यहाँ पर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जमकर नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं। हत्याकांड के विरोध में ये सड़क जाम किया गया है। मधेपुरा की तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से आप कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। पर जो पुलिसकर्मी पहुंचे थे जाम को हटाने के लिए उनको भी खदेड़ा गया। तो जमकर नारेबाजी और साथ ही सड़क को जाम किया गया है। जाप प्रखंड अध्यक्ष की हत्या हुई थी जिसके बाद अपराधियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये जाम यूं ही लगा रहेगा। और पुलिसकर्मी जब यहां पर पहुंचे, जाम को हटाने की कोशिश की गई, तो यहां पर मौजूद लोगों की नाराजगी देखने को मिली और साथ ही लोगों ने पुलिस को भी खदेड़ दिया। मीडिया कर्मी के साथ भी बदसलूकी की गई है। इनका कहना है कि एसपी यहां पर आए। भटगामा किशनगंज सड़क को जाम किया गया है। जमकर नारेबाजी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर हमारे साथ मधेपुरा से जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या अभी भी जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर पुलिसकर्मियों को भी लोगों ने खदेड़ा है, अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल प्रीति, दरअसल कल हत्या हुई थी जाप नेता की। हत्या के 24 घंटा बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण नाराज लोगों ने जो है सवेरे से SH-58 जाम कर दिया है और हंगामा कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस गई जाम हटाने, उस पर भी पथराव किया और खदेड़ा गया और जो पत्रकार कवरेज कर रहे थे उनके साथ भी मारपीट की गई है। बहरहाल जो स्थिति है तनावपूर्ण है और जाम स्थल पे जो हंगामा चल ही रहा है। बहरहाल कोई पुलिस मौके पर नहीं पहुंचा है प्रीति। शंकर, लेकिन बड़ी बात ये है, आपने जानकारी दी कि कल हत्या होती है, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, अपराधी पकड़ से बाहर है? जी बिल्कुल, कल जो हत्या हुई है दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है और हत्या के बाद पुलिस पहुंचती है, खाना पूरी कर पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। लेकिन जो स्थिति है, जो अपराधी की धरपकड़ के लिए छापामारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है, जिससे लोग नाराज है प्रीति। शुक्रिया शंकर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।